हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर ट्रेडिंग स्कूल। आज हम यहाँ पे निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देख रहे हैं। हमारी वेबसाइट www.sharestudyingschool.com, इस वेबसाइट पे अगर नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद हमारा निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इस निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में यहाँ पे प्री मार्केट में, ये प्री मार्केट निफ्टी स्ट्रेटेजी है। और इस प्री मार्केट निफ्टी स्ट्रेटेजी में आज निफ्टी में क्या हो सकता है, ये यहाँ पे प्रेडिक्ट किया हुआ है। हम लास्ट वीक जैसे देख रहे थे कि ये जो निफ्टी में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, और ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे हमने ये टारगेट्स यहाँ पे बताए थे लास्ट वीक। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उस वीडियो में ये टारगेट्स दिए हुए थे लास्ट वीक। 346 का फर्स्ट टारगेट था, देन 305 का सेकंड टारगेट था, और 253 का थर्ड टारगेट था, जो लास्ट वीक यहाँ पे निफ्टी में अचीव हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे आज मॉर्निंग में हमने बताया था कि निफ्टी इज़ नॉट एट ओवरसोल्ड। ये निफ्टी का एक्चुअली आर्ली चार्ट है, और इस आर्ली चार्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि निफ्टी अभी तक यहाँ पे ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। तो ओवरसोल्ड नहीं हुआ है इसलिए ये नीचे आने के और चांसेस है, यहाँ पे स्कोप है। और यहाँ पे बताया हुआ भी था कि ये जो डाउन ट्रेंड है वो कहाँ तक नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे बताया हुआ था कि टिल 11,170 एंड 60। ये 170-60 अराउंड 11,170 तक ये नीचे आ सकता है, यहाँ पे मॉर्निंग में आज मेंशन किया हुआ था। और साइड में अगर निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो निफ्टी के डेली चार्ट में यहाँ पे डाइवर्जन सर ने बताया था। यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि होप फॉर बुल्स इज डेली चार्ट इज शोइंग बिगिनिंग ऑफ डाइवर्जेंस इन मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम इंडिकेटर अगर देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी के डेली चार्ट में आज डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी का क्लियर चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मैं निफ्टी का ग्राफ ओपन कर रहा हूँ, और ये निफ्टी के ग्राफ में अगर देखेंगे तो ये निफ्टी का यहाँ पे डेली चार्ट है, और इस डेली चार्ट में हमें डाइवर्जन देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन अगर प्लॉट करते हैं तो ये निफ्टी के चार्ट में ये ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रही है, लेकिन वही अगर मोमेंटम इंडिकेटर देखेंगे तो मोमेंटम इंडिकेटर में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरीके से जो डाइवर्जेंस जो है, ये डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड और यहाँ पे डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से ये आज का जो निफ्टी का स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी में भी हम लोगों ने कहा था कि इस डाइवर्जेंस की वजह से वो ऊपर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दैट ये भी बताया था कि इंटरनेशनल सेंटीमेंट जो है वो उनकी वजह से रिकवरी हो सकती है। यहाँ पे बताया था कि ड्यू टू इंटरनेशनल सेंटीमेंट मे सी रिकवरी टिल 11,300 टू 11,325। ये रिकवरी यहाँ पे हो सकता है, ये भी प्रेडिक्ट किया था। और उसी निफ्टी के ग्राफ में आज अगर देखेंगे तो निफ्टी आज मॉर्निंग में ओपन हुआ डायरेक्टली 11,271, और इसने आज मॉर्निंग में अराउंड 346 का हाई यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 346 का निफ्टी का हाई है, और जैसे हमने बताया था कि 325 लेवल तक रिकवरी हो सकती है, तो ये रिकवरी यहाँ पे हो चुकी है आज मॉर्निंग में। ये रिकवरी यहाँ पे हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।